हेलो एवरीवन, मैसेल प्रमोद डाका और मेरे साथ है निशांत सर। हेलो बच्चों। तो डियर, हम आज आपके लिए गुरु नीति का जो 30th सेशन है वो लेकर आए हैं फिजिक्स का। इसमें हम लोग वेव ऑप्टिक्स डील करेंगे। अब वेव ऑप्टिक्स में हमने टॉपिक कौन कौन से कवर किए हैं? इंटरफ्रेंस वाले पार्ट पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखा है ना, मेनली इंटरफ्रेंस हमने वेव थ्योरी में डील किया था। तो अभी इंटरफ्रेंस में मतलब जो YDSC से रिलेटेड चीज़ें हैं वो YDSC एक्सपेरिमेंट के साथ होने वाले कुछ जो और चेंजेस हैं वो डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, रिजोल्विंग पावर और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ये हमने कवर किया है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है दैट टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ्स इन द रेशियो 1:25। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज, मतलब कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स की विड्थ का जो रेशियो है ना वो 1:25 है। तो इसका जो रिलेशन होता है ना इंटेंसिटी के साथ वो कुछ ऐसा होता है कि I1 upon I2 that value is W1 upon W2, मतलब width के proportional होता है। तो अपन इसमें कई बार amplitude का भी पूछ लिया जाता है, तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि intensity जो है वो proportional होती है amplitude square के। अब दोनों slits YDSC में same size की नहीं है, मतलब intensity दोनों की अलग अलग है। intensity का ratio अपने पास आ चुका है, that is 1:25। हमें मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशियो बतलाना है। सर नेक्स्ट पेज पे चलें। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन जो होता है ना, इसकी वैल्यू अपने को पता है दैट दिस वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जनरली आप लोग इसको अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 के होल स्क्वायर से याद रखते हैं, पर मैंने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है I2 कॉमन लेकर। तो ये वाली वैल्यू जो है 1:25 है, सो इट इज 1/5 प्लस 1 दैट वैल्यू कम्स एज 6/5 डिवाइडेड बाय दिस इज 1/5 माइनस 1 दैट इज 4/5। माइनस प्लस का कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, तो 4/5 और इसका होल स्क्वायर। तो ये 5 तो कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज 6/4 दैट इज 3/2 का स्क्वायर, और 3/2 के स्क्वायर की बात की जाए सो दिस रेशियो कम्स एज 9:4। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की जो इंटेंसिटी है उनका रेशियो 9:4 है। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर देन इन अ मीडियम अदर देन एयर एंड 8th राइट फिंज इन मीडियम लाइज वेयर द 5th डार्क फिंज इन एयर। तो अगर बात करें YDSC की, तो यहां पर दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डी एज्यूम कर लिया जाए और स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी, और वही स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली जाए कि लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी एंड डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। तो इसमें क्या होता है, सेंटर से वाई हाइट पर अगर मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन फाइंड करनी है, तो मैक्सिमा की पोजीशन आती है हमारे पास एंथ मैक्सिमा आता है एन लैम्डा डी वाई डी पर, और एंथ मिनिमा आता है हमारे पास 2n-1 लैम्डा वाई 2 डी वाई डी। ये तो एयर में हो गया। अगर यही एक्सपेरिमेंट किसी मीडियम में किया जाए तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा वाई म्यू से रिप्लेस कर देंगे और सेम कहानी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि मीडियम में जो 8th ब्राइट फ्रिंज है, तो मीडियम में 8th ब्राइट फ्रिंज वहीं लाई कर रही है जहां पर एयर में 5th डार्क कर रही है। तो डार्क के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2-1 लैम्डा बाई म्यू एयर में नहीं लैम्डा बाई 2 डिवाइड। तो यहां से अगर हम देखें तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 16/9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.78। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ाते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि थर्ड वन इज द इंटरफेरेंस इवेंट इज ऑब्जर्व्ड इन। देखिए इंटरफेरेंस की यदि बात की जाए तो इंटरफेरेंस दोनों टाइप्स की वेव में होता है ना, ट्रांसवर्स भी बोल दो चाहे लॉन्गिट्यूडनल बोल दो। इंटरफ्रेंस का ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल से वैसे कोई रिलेशन नहीं है। इंटरफ्रेंस में तो अपन केवल यही देखते हैं कि जो दोनों इंटरफेरिंग वेव्स हैं द सोर्सेज शुड बी कोहरेंट, बस बात केवल इतनी सी है। कोहरेंट सोर्सेज बोले तो दैट मीन्स द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो ऐसा ट्रांसवर्स में भी हो लॉन्गिट्यूडनल में भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन इसके लिए बोलेंगे थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर कि इंटरफेरेंस दोनों टाइप्स की वेव में हो सकता है। लेकिन पोलराइजेशन की अगर हम बात पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन केवल
ट्रांसवर्स वेव्स में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होता है। चलिए सर शुरू करें बात को आगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट अपॉन अ सिंगल स्लिट विड्थ 4×10⁻⁴ मीटर। द फिगर शोज द पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन पोजीशन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। इफ द डिस्टेंस इज s गिवन किए हमें 10⁻³ मीटर इनटू n और n की वैल्यू पूछी। ठीक है, सिंगल स्लिट की बात की गई, डिफ्रेक्शन के पैटर्न की बात की गई है। तो अगर ये एक विड्थ का एक स्लिट ले लिया जाए जो कि जिससे d डिस्टेंस पर स्क्रीन है, यहां पर अगर हम डिफ्रेक्शन पैटर्न को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां ये हो गया हमारे पास सब सेंट्रल ब्राइट, जिसकी विड्थ आती है हमारे पास एंगुलर विड्थ लैम्बडा वाई ए, ठीक है, या अगर इस सेपरेशन की बात करो तो ये सेपरेशन आता है लैम्बडा डी वाई ए। क्लियर? किसी भी nth ऑर्डर के अगर मुझे डार्क फ्रिंज की बात करनी है कि nth ऑर्डर की डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी, तो उसकी पोजिशन आती है हमारे पास एन लैम्बडा डी वाई ए, और ब्राइट के लिए आता है हमारे पास 2n-1 लैम्बडा डी वाई ए। यहां पर वाई डी एसी का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, वाई डी एसी में तो ब्राइट के लिए क्या आता है n लैम्बडा, यहां डार्क के लिए n लैम्बडा आता है। अब अगर इस पैटर्न को अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न है इसमें ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट डार्क, फिर ये हमारे पास सेकेंड डार्क हो गया। अब यहां से अगर तुम देखो तो सेंटर से सेकेंड डार्क की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है s। क्लियर है क्या? सेकेंड डार्क की वैल्यू क्या दे रखी है? s। तो s की वैल्यू हमें यहां कैलकुलेट करनी है। तो सेकेंड डार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड डार्क की यहां से डिस्टेंस आएगी 2 लैम्बडा डी वाई ए, तो यहां से 2 लैम्बडा की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें 600 नैनोमीटर डी स्क्रीन की जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमें दी है 2 मीटर और ए विड्थ जो दी है वो है 4×10⁻⁴ मीटर। तो वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये तो 4 गया, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, ये बन जाएगा -7 -3। तो जी एस की वैल्यू वो हमारे पास आनी चाहिए 6×10⁻³, और ये वैल्यू इसने बोली है n×10⁻³, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है दैट टू करंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेंड बाय। देखो जनरली कोई भी दो सोर्सेज यदि वो इंडिपेंडेंट है तो वो कभी भी कोहरेंट नहीं हो सकते। यदि दो सोर्सेस कोहरेंट है तो हम एक सिंगल सोर्स से ही दो सोर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके तरीके हैं, जैसे इसमें बोला गया कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ओनली और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली, जबकि ये दोनों तरीके से होता है, वेव फ्रंट डिवीजन से भी होता है और एम्पलीट्यूड डिवीजन से भी होता है। तो चलिए अपन उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं वेव फ्रंट डिवीजन की बात करता हूं, वेव फ्रंट डिवीजन अपन किस एक्सपेरिमेंट में करते हैं? जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे पास सोर्स है और ये YDSC का कुछ सेटअप है जिसमें दो स्लिट्स हैं। इस सोर्स से जो वेव्स एग्जिट होती है, यदि मैं उनका वेव फ्रंट बनाऊं तो कुछ इस टाइप का बनता है, और आगे के पॉइंट्स के लिए ये दोनों जो है वो मेरे पास हाइगेंस प्रिंसिपल से बात करें तो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इनसे आगे वेव फ्रंट जो है वो कुछ इस टाइप से एग्जिट होते हैं। तो ये वाला जो डिवीजन है वो मेरा वेव फ्रंट बेसिस पर है कि वेव फ्रंट के बेसिस पर ये दोनों सोर्सेस जो है, ये सोर्स S1 ये S2, ये दोनों जो है वो मेरे पास कोहरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट डिवीजन। यदि मैं एम्पलीट्यूड वाले की बात करूं तो डियर एम्पलीट्यूड वाले केस में एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, मान लो ये मेरे पास एक स्लैब है और रेज जो है लाइट रेज यहां से इंसिडेंट हो रही है, इसका कुछ पोर्शन यहां रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन यहां रिफ्रेक्ट होता है, फिर सिमिलरली यहां पर अगेन कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है कुछ पोर्शन रिफ्रेक्ट होता है, और ये जो दोनों रिफ्रेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज ये जो आगे एग्जिट होती है, इन दोनों के बीच आगे अपन इंटरफ्रेंस करवाएंगे तो अपने को फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन हो सकता है। इनमें इंटरफ्रेंस करवाने के लिए जैसे यहां पर अपन एक
लेंस प्लेस कर दें। एक क्लोइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट जो होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये जो है ये एम्पलीट्यूड डिवीजन के बेसिस पर कोहरेंट सोर्सेस का फॉर्मेशन है, ये वाला वेव फ्रंट के बेसिस पर और ये वाला एम्पलीट्यूड के बेसिस पर। क्लियर? तो यदि अपन अपने आंसर में बात करें तो बोथ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड एम्पलीट्यूड, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोला इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। ठीक है, ये तो हो गया डबल स्लिट सेटअप, और इसी को सिंगल स्लिट सेटअप से अगर हम देखें तो ये एक तरह से डिफ्रेक्शन पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेक्शन पैटर्न में हर स्लिट की विड्थ जो है वो अगर ए अज्यूम कर लूं, ये सेपरेशन डी है, तो यहां सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ आता है वो आता है हमारे पास 2 लैम्डा डी अपॉन ए, जहां पर ए जो है वो क्या है, स्लिट का विड्थ है। ठीक है, यहां अगर हम देखें तो यहां स्लिट्स के बीच का सेपरेशन अगर डी है तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आती है हमारे पास लैम्डा बी बाई डी। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस स्मॉल ए की वैल्यू हमें बतानी है जिससे इस रीजन में इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 10 मैक्सिमा लाई कर जाए, 10 मैक्सिमा लाई कर जाए। अब देखो हर एक दो कंसेक्यूटिव जो मैक्सिमा होते हैं उनके बीच का सेपरेशन है बीटा। अब यह 10 मैक्सिमा है तो सेपरेशन कितना हो गया, 10 बीटा। ठीक है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, सेंटर से 5 मैक्सिमा ऊपर 5 नीचे, टोटल कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। मतलब 2 लैम्डा डी बाई ए की वैल्यू 10 बीटा के इक्वल अगर है तो वहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 लैम्डा डी बाई ए की वैल्यू 10 बीटा, बीटा की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी, तो यहां से स्लिट विड्थ आ गई हमारे पास डी बाई 5। ठीक है, अब देखो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन हमें गिवन है ऑलरेडी 1 mm, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.2 mm। तो हर एक स्लिट की जो विड्थ है वो हमारे पास 0.2 mm होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टू पोलेरॉइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो दो पोलेरॉइड को जब अपन रखते हैं ना तो उसके दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट और एक होता है क्रॉस अरेंजमेंट। तो ये वाली जो बात की जा रही है वो क्रॉस अरेंजमेंट के रिगार्डिंग है, मतलब इनकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है, जैसे इसकी एक की इधर है तो दूसरे वाले की ऑप्टिकल एक्सिस जो होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। अब हमने किया क्या है क्वेश्चन में लिख रहे हैं सर, हमने ये किया है कि दैट अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट ऑफ इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1, a third polaroid P2 kept in between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 degree with that of P1. The intensity of the transmitted light through P2 is. देखो डियर, यदि इस क्वेश्चन में अपन बात करें, एक पोलेरॉइड जो है वो यहां पर अपने पास प्लेस्ड है, मान लो उसकी ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है, यदि मैं यहां पर लाइट इंसिडेंट करता हूं and that light is unpolarized light that have intensity I1, तो पोलेरॉइड से क्रॉस करने के बाद उसके पास जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा I0/2 हो जाती है। यहां एंगल का कोई लॉजिक नहीं है, यदि अनपोलराइज्ड लाइट आई तो हमेशा I0/2 इंटेंसिटी की लाइट निकलेगी। अब हमने क्या किया, बीच में तीसरा पोलेरॉइड यहां ऐसे प्लेस कर दिया ना जो 45 डिग्री पर है, तो इससे भी 45 डिग्री और दूसरे वाले की ऑप्टिकल एक्सिस से भी 45 डिग्री। अब मान लो यहां पर लाइट जो एग्जिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी I1 है और इससे जो लाइट एग्जिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी I2 है, और मैं एक बार थीटा को 45 को थीटा लेकर क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, फिर थीटा की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है थीटा एंगल वाला भी। तो यदि मैं पोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलेरॉइड पर उसकी ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पर इंसिडेंट करता हूं ना, तो एग्जिट लाइट की एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है I0 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। I0/2 तो अपने पास आ गया, ये अनपोलराइज्ड है, जो यदि I है उसकी cos स्क्वायर थीटा, जो पोलराइज्ड है यदि, तो पोलराइज्ड के केस में I1 की वैल्यू जो मेरे पास होगी दैट इज I0/2 साथ में cos स्क्वायर थीटा। अब ये तो I1 को लेकर है,
यदि मैं I2 की बात करता हूं, तो देखो I1 खुद पोलराइज्ड है, लेकिन इन दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस के बीच जो एंगल है, दैट एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो मैं कहूंगा I2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी I1 साथ में cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट इज I1 sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट की इट इज I0/2 साथ में cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू कुछ इस टाइप की निकल कर आती है अपने पास। तो डाटा जो आ रहा है दैट इज कमिंग एज I0/8 साथ में sin स्क्वायर 2 थीटा। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट। तो इस केस में अपना थीटा 45 है, दिखता थीटा 45 रखोगे तो sin 90 दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इंटेंसिटी जो आ रही है एमिटेड लाइट की दैट इज I0/8। तो चलिए सर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में क्या बोला है, a beam of light is incident on a glass plate at an angle of incidence 60 degree, the reflected ray is polarized। ठीक है, जब angle of incidence 60 है तो reflected ray जो मिली है हमें वो polarized मिली है। What is the angle of refraction when angle of incidence is 45 degree? तो Brewster angle पे question है कि यहाँ air से ये suppose glass का जो refractive index है वो mu है, उस पर ये 60 डिग्री पर स्ट्राइक की है, तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली पोलर लाइट हमें तब मिलती है जब ये एंगल क्या हो जाता है 90। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल भी ड्राइव करते हैं हम यहां से। तो इस रिलेशन को काम में लेके हम पहले तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। ये 60 तो आई इक्वल टू आर से ये भी 60, ये 90 तो ये हो जाएगा 30। तो अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करके हम यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 60 इक्वल टू म्यू साइन 30, तो ये वैल्यू आएगी √3/2 म्यू साइन 30, म्यू की वैल्यू आ गई √3, मतलब ग्रास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग गया। अब बोला है कि लाइट अगर 45 पर आए तो रिफ्रैक्शन एंगल बताना है हमें, कि रे जो है 45 पर आई है, तो अब बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। सिंपल स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो साइन 45 इक्वल टू म्यू साइन आर, तो ये आ जाएगा 1/√2, म्यू की वैल्यू √3 साइन आर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले मतलब क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे, बोलना क्या चाह रहे हैं, फिर न्यूमेरिकली अपन जैसा इधर यूज कर रहा है ना वैसा का वैसा सेम उसी तरीके से इधर वाली साइड में भी अपन यूज करके क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी वे से कर लेंगे। जैसे इसमें बोला जा रहा है दैट फिगर शोज अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप, द सोर्स s ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम ऑसिलेट्स अलोंग द y एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू sin pi t y, वेल y इज इन मिलीमीटर। मतलब ये जो सोर्स है ये अपने प्लेस पर स्टेशनरी नहीं है, ये सोर्स ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है सर, फिर आगे बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 एंड S2 इज 0.5 mm, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन अपने को गिवन है, और ये पूछा गया दैट इंटेंसिटी एट विच मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑकर्स एट P फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब वो टाइम द इंस्टेंट, वो टाइम जिस टाइम पर इस पॉइंट पर फर्स्ट टाइम अपने को मैक्सिमा ऑब्टेन होगा, वो मेरे को कैलकुलेट करके बतलाना है। ठीक है सर, आगे बढ़ाएं एक बार नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहां अपने पास स्क्रीन है, यहां दो स्लिट्स हैं। यदि मैं स्क्रीन पर पर्टिकुलरली जैसे मान लो इस कोऑर्डिनेट को मैं 0 कह दूं, इधर वाला कोऑर्डिनेट यदि मेरे पास y है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई tan थीटा की वैल्यू, डाटा अपने को इसी टाइप से गिवन है कि अपन बोल सकते हैं कि कैपिटल D जो है वो बहुत ग्रेटर है स्मॉल d से, और स्मॉल d ग्रेटर है लैम्डा से, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास y/d होती है यहां से, एंड दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली sin थीटा ना। तो साइन थीटा जो होता है वो पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी होता है, यदि याद हो आपको। तो कुछ ऐसा सा केस लेते हैं अपन, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला थीटा, तो अपन ये कहते हैं साहब ये पाथ डिफरेंस है दैट इज डी साइन थीटा। तो इधर वाली साइड में डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आ गई डी वाई बाई कैपिटल डी।
यदि आप डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, बैक लेना सर, डायग्राम को यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो पॉइंट पी जो वो एग्जैक्टली स्लिट एस वन के सामने है, मतलब y की वैल्यू जो है वो d by 2 है, मतलब अपन इसमें डेल्टा x के प्लेस पर d square divided by 2t रख सकते हैं, और डेल्टा x के प्लेस पर d square divided by 2d कि रे एक रे यहां से ट्रेवल करती हुई जा रही है और एक यहां से ट्रेवल करती हुई जा रही है, तो उन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस ही आया। अब जब सिचुएशन पार्टिकल के ऑसिलेशन की है, सोर्स के ऑसिलेशन की, मान लो सोर्स किसी टाइम पर यहां से उसका जो डिस्टेंस है, इधर वाले को भी मैं ये y लेकर ही चल लेते हैं, मान लो किसी टाइम पर ये यहां से y डिस्टेंस पर था एक्सिस से ऊपर, तो एक रे जो है वो यहां से ट्रेवल करती हुई जाएगी और एक रे जो है वो यहां से ट्रेवल करती हुई जाएगी, और यदि मैं उसके लिए पाथ डिफरेंस बतलाना चाहूं, देखो इन दोनों रेज में एक चीज तो है कि हर बार जो स्लिट S2 से क्रॉस कर रही रे है ना, वो वेव जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो पाथ डिफरेंस में दिस प्लस दिस। अब हमने कहा सब ये अपना एंगल, लेट सपोज ये वाला एंगल मेरा फाई है, तो इस वाले केस में अपन जब टेन फाई की वैल्यू लिखते हैं तो वो वाली वैल्यू मेरे पास y डिवाइडेड बाय दिस सेपरेशन इज गिवन एज 1 मीटर, तो y बाय 1 कह दूं मैं उसको, पर इधर से देखने पर ये वाली वैल्यू मेरे पास d sin phi के इक्वल आनी चाहिए वैसे। तो इधर वाला जो पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा है डेल्टा x2 दैट इज d sin phi दैट इज y, तो दो पार्ट डिफरेंस हो गए ना, एक तो अपने पास डेल्टा x1 इधर वाला, एक डेल्टा x2 इधर वाला, तो ये डेल्टा x1 ये डेल्टा x2, तो टोटल जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, और हमें क्या चाहिए y पर मैक्सिमा चाहिए, तो अपन ये कहेंगे कि उस टाइम पर डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 दैट वैल्यू, इफ दैट वैल्यू बिकम्स l लैम्डा देन देयर विल बी अ मैक्सिमा, फर्स्ट टाइम के लिए अपन बोल सकते हैं दैट n इज 1 1, तो हमारे लिए डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 की जो वैल्यू है दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू लैम्डा, और यहां से ये वाली वैल्यू जो आ रही है दिस इज y into small d plus d square divided by 2 into capital D is 4 is equals to lambda, तो यहां से y की वैल्यू निकाली that is lambda by d minus में d by 8। चलिए सर एक बार क्वेश्चन में लेकर चलें, तो डाटा पुट कर ले अपन, लैम्डा की जो वैल्यू मेरे को गिवन है दैट इज 4000 एंगस्ट्रोम, so it is 4 into 10 raised to the power minus 7, small d की वैल्यू जो मेरे को गिवन है that is 5.5 mm, 5 into 10 raised to the power minus 4, and this here this value is minus d by 8 that is 5 into 10 की power minus 4 divided by 8, तो ये वाला डाटा जो मेरे पास आया, next पैना सर, ये तो आ गया 8 into 10 की power minus 4, और ये वाला डाटा आया 5 by 8 into 10 की power minus 4, यदि अपन इसको सोल्व करें तो ये डाटा जो मेरे पास आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग इज 59 डिवाइडेड बाय 8, और उसको मैं 80 लिखकर 10 की पावर माइनस 3 कर दूं, क्योंकि मेरा जो y है वो sin pi t इनटू 10 की पावर माइनस 3 है ना, वो बोला नहीं गया है, बट आपका y जो है वो मिलीमीटर में वेरी कर रहा है, तो ये वाला डाटा तो हो गया कैंसिल आउट, यहां से यदि मैं t की वैल्यू निकालता हूं तो t की वैल्यू 1 अपॉन पाई sin इनवर्स 59 डिवाइडेड बाय 80 अपने पास निकल कर आती है कि इस टाइम पर फर्स्ट टाइम अपने को पॉइंट पी पर मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन बोला फॉर मैक्सिमा राइट फिन एट पॉइंट पी रिलेशन बिटवीन गिवन पॉइंट, अभी इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऊपर वाली जो स्लिट है वो पहले वहां तक आ रही वेव ज्यादा चल रही है, बाद में नीचे वाली स्लिट की ज्यादा, उसमें नीचे वाली वेव दोनों जगह ज्यादा चल रही थी, यहां पर अगर देखो तो यहाँ किस वाले रीजन में इसमें पार्ट डिफरेंस ये आएगा डेल्टा एक्स वन, और यहां ये आएगा डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स टू की वैल्यू ये डी है तो ये डी साइन थीटा, इस डेल्टा एक्स वन की वैल्यू की बात करें तो ये आएगा डी साइन फाइव। ठीक है, अब बोला क्या है कि P पॉइंट पर हमें क्या चाहिए मैक्सिमा चाहिए, तो देखो इस सेपरेशन को मैं x मान लूं, ये भी x, पाथ डिफरेंस अगर निकाला जाए सोर्स से पॉइंट P के लिए तो क्या लिखा जाएगा x प्लस d साइन फाइव माइनस x प्लस d साइन थीटा
पाथ डिफरेंस आ गया मेरे पास डी साइन फाइ माइनस डी साइन थीटा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है थीटा ज्यादा या फाइ ज्यादा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसकी वैल्यू यहां पर एन लैम्डा के इक्वल हो जाती है तो पी पॉइंट पर हमें ब्राइट पॉइंट मिल जाएगा। अगर ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आएगा तो ये मिनिमा हो जाएगा। तो मैक्सिमा की कंडीशन पूछी है तो ये आ जाएगा हमारे पास d sin phi माइनस d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, सेकंड ऑप्शन का। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 एक आसान सा क्वेश्चन है, उसमें ये बोला जा रहा है कि अपने पास दो सोर्स से यहां तक आने के लिए, जैसे एक तो इधर से रे जो है वो वेव इधर से ट्रेवल करते हुए आ रही है और एक दूसरी इधर से आ रही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। But a sound source emits two sound sinusoidal sound waves, both of wavelength lambda along path A and B as shown in the figure. The sound traveling along path B is reflected from four surfaces as shown and emerges at point Q, producing minimum intensity at that point, the minimum value of D in terms of lambda. देखिए एक वेव जो है ना वो तो इधर से ट्रेवल करती हुई आ रही है और एक वेव जो है वो इधर से ट्रेवल करती हुई आ रही है। देखिए इसके लिए यदि बात करूं तो यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस जनरेट करेगा, ये भी पाई का करेगा, ये भी पाई का करेगा और ये भी पाई का करेगा। साउंड सोर्स है तो पाई का एक्स्ट्रा फेज, यदि अपन लाइट वेव के लिए बात करें तो होगा, साउंड वेव होगी तो ऐसा नहीं होगा। यदि साउंड में भी और लाइट में भी, मतलब दोनों में इस क्वेश्चन का आंसर सेम तरीके से जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो फोर फेजेस पे अपन ने ले रखा है, क्लियर। अच्छा तो ये बोल ये रहा है कि लाइट वेव साउंड वेव्स ऐसे जा रही हैं, तो हमने कहा जी सर टोटल जो ट्रेवल पाथ हुआ दैट इज 7d और इसके अकॉर्डिंग दिस पाथ इज 3d, तो पाथ डिफरेंस जो मेरे पास निकल कर आया दैट पाथ डिफरेंस इज 4d। अब इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो कह रहा है कि मेरे को इस वाले पॉइंट पर मिनिमा चाहिए, मिनिमा चाहिए, सो इट इज 2n प्लस 1 और माइनस 1। तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 यदि मैं लेकर चलूं तो d की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज 2n माइनस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 8। मुझे चाहिए d की मिनिमम वैल्यू, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, d मिनिमम कम्स इज लैम्डा बाय 8। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 में बोला टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज s1 एंड s2 आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d एंड द फ्रिंज ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन विल बी, कि स्क्रीन पर जो हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा उसकी शेप कैसी होगी इसकी बात की। अब देखो पॉइंट सोर्स है तो सपोज यहां से जो रे है इस पॉइंट पर पहुंची, इससे ये रे पहुंची, ठीक है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, क्लियर। अब मैं मैक्सिमा के लिए बात करता हूं एक बार, अगर यह फर्स्ट मैक्सिमा बनता है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू, अगर मैक्सिमा बन रहा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन लैम्डा, ठीक है। मैक्सिमा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, एन लैम्डा। अब देखो तो इन पॉइंट्स के लिए इस पॉइंट पर मैक्सिमा बना, सिमिलरली सर्कुलर में जस्ट आगे अगर इसका मैं फ्रंट व्यू बनाऊं तो ये स्क्रीन मेरे को ऐसे देखेगी और ये दोनों के दोनों पॉइंट सोर्स यहां एक के पीछे एक होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए एक पॉइंट तो यहां मिला, सेम डिस्टेंस पर इधर मिलेगा, तो चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर हमें क्या है मैक्सिमा के पॉइंट मिलेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक सर्कुलर जो रीजन है वहां पर हमें एक फ्रिंज पैटर्न मिलेगा मैक्सिमा का, सिमिलरली डार्क के भी मिलते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस पैटर्न में जो फ्रिंज पैटर्न हमें मिलेंगे वो कैसे हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्सेंट्रेट सर्कुलर पैटर्न्स हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है दैट टू कोहेरेंट सोर्सेज s1 एंड s2 आर केप्ट ऑन द एजेस ऑफ योर स्टेप्स एज़ शोन इन द फिगर। An infinitely long screen is placed on the right side of sources and lies along yz plane. Calculate total number of maximas observed on the screen. PS1 is 8 lambda and PS2 is 6 lambda, where lambda is the wavelength of light used. चलिए देखते हैं एक बार। क्वेश्चन एक्चुअली कुछ ऐसा है कि यहां मेरे पास स्क्रीन है और यह सिचुएशन है कि यहां पर दो स्टेप्स हैं, यहां पर एक सोर्स प्लेस्ड है और यहां पर एक सोर्स प्लेस्ड है। ये डिस्टेंस है 8 लैम्डा, ये डिस्टेंस है 6 लैम्डा, तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस होगी 10 लैम्डा। देखो यदि मैं यहां से बिल्कुल इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का एंगल बाइसेक्टर यदि
अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस 5 लैम्डा होगी, ये डिस्टेंस 5 लैम्डा होगी, और इन दोनों सोर्सेस से आने वाली जो रेज है, जैसे एक रे मेरे पास यहां से चलती हुई आ रही है और एक रे मेरे पास यहां से चलती हुई आ रही है, ये दोनों रेज जो है, दोनों वेव्स बोल दो, इन दोनों के बीच किसी टाइप का कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। मतलब मेरे को इस वाले केस में जीरो पाथ डिफरेंस वाला मैक्सिमा चाहिए, जिसको अपन सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, वो अपने को यहां ऑब्टेन होगा। यदि मैं इससे नीचे की तरफ बात करता हूं, जैसे मान लो इस वाली पोजीशन पर बात करूं, तो उस कंडीशन में इसके थ्रू ट्रेवल्ड डिस्टेंस लेस होगी, इसके थ्रू ट्रेवल्ड डिस्टेंस लार्ज होगी, तो पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो से इंक्रीज होता जाएगा। वो कहां तक हो सकता है, हम उस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। एक अपने पास, मान लो मैं ऊपर वाली तरफ बात करता हूं ना, ये वाला केस, इस वाले केस में इसके थ्रू ट्रेवल्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी और इसके थ्रू ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है वो लेस होगा। तो यदि मैं इंटरफेरेंस पैटर्न में बात करूं, देखो ऐसा है कि यदि इन दोनों से, दोनों सोर्सेस से पैरेलल वेव्स निकलती है ना, और यदि मैं उन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस की बात करता हूं, दैट इज 10 लैम्डा। यदि उनकी लेंथ, ट्रेवल्ड लेंथ की बात करें तो वो 10 लैम्डा है, लेकिन ये जो 10 लैम्डा ना, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा, ये 10 लैम्डा आपको स्क्रीन पे नहीं मिल सकता। तो यदि ये स्क्रीन पर नहीं मिल सकता, इसके अलावा जितने भी होंगे ना, जीरो से लेकर 9 लैम्डा तक के, मतलब इवन 9.999 लैम्डा भी आपको स्क्रीन पर मिल सकता है पर्टिकुलरली किसी एंगल पर, बट 10 लैम्डा अपने को पर्टिकुलरली किसी एंगल पर स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकता। दूसरा, एक जो वेव जैसे इधर से चलती भी आ रही है, जो वेव इधर से चलती भी आ रही है और एक वेव जो इधर से चलती भी आ रही है ऐसे, तो अपन इसमें कि इसके थ्रू जो वेव आ रही है वो यहां पर ब्लॉकेज में चली गई, मतलब आगे वो वेव जो है वो स्क्रीन पर नहीं जा रही है। तो मतलब एक ये वाली जो वेव है पीछे की तरफ 10 लैम्डा वाली, वो मेरे को स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। एक ऊपर की तरफ जो 10 लैम्डा पाथ डिफरेंस वाली जो वेव है, वो मेरे को स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। ऊपर वाली 10 लैम्डा वाली नहीं मिल रही है, नीचे वाली 10 लैम्डा वाली नहीं मिल रही है, जीरो से लेकर 9 लैम्डा ऊपर और जीरो से लेकर 9 लैम्डा नीचे, तो ऊपर मेरे को मैक्सिमा मिले नो, फिर एक सेंट्रल मैक्सिमा और नीचे मेरे को मैक्सिमा मिले नो, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो मेरे को इस केस में ऑब्टेन होंगे, दैट नंबर विल बी 19। क्लियर? देखो डायग्राम से बहुत क्लियर है कि ये वाली वेव आगे, डायग्राम में लाना सर, कि ये वाली वेव जो है ये आगे की तरफ नहीं जाएगी, तो 10 लैम्डा नीचे भी नहीं मिलेगा, 10 लैम्डा ऊपर भी नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज सेकेंड वन। चलिए, अच्छा इसके अलावा एक और चीज डिस्कस करते हैं अपन, YDSC में मैक्सिमा मिनिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर थ्योरेटिकली तो ऐसा आ रहा है पर प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्टेन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा, मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरा स्मॉल डी जो है वो 3 लैम्डा के इक्वल है, अपन ऐसा मान ले कि स्मॉल डी जो है वो 3 लैम्डा के इक्वल है अपने पास, तो सेंटर वाले पर तो सेंट्रल मैक्सिमा, इधर यदि अपन आगे की ओर बात करते हैं तो अपन ये कैसे हैं साहब कि डी साइन थीटा जो है वो एन लैम्डा के इक्वल है। अब डी आपका 3 लैम्डा है, तो 3 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू एन बाई 3 आ गई। तो पॉसिबल केसेस में साइन थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, बट इस वाले केस में अपन 1 नहीं ले सकते। वन इसलिए नहीं ले सकते कि आप वन का मतलब समझ रहे हैं, यदि मैं साइन थीटा 1 लेता हूं तो थीटा की वैल्यू आती है पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आई तो सोचना कि एक वेव जो यहां से निकल रही है और दूसरी वेव जो यहां से निकल रही है वो डियर स्क्रीन पे कब मीट करेंगी, कभी नहीं करेंगी। तो आपको स्क्रीन पर जब मैक्सिमा को लेकर बात करते ना, तो ये इक्वल टू वाला साइन हटाना चाहिए। आप साइन थीटा लेस देन 1 लेकर n बाई या n लैम्डा बाई स्मॉल डी से जितनी वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं वो सारी की सारी मैक्सिमा में काउंट होंगी, बट 1 वाला मैक्सिमा में काउंट नहीं होगा, ना अपसाइड में ना डाउनसाइड में। तो इस वाले केस में हमारे पास, इस पर्टिकुलर केस में कि n बाई 3 लेस देन 1, तो n की वैल्यू जो आती है वो 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2,
तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास, दो ऊपर दो नीचे और एक सेंटर वाला, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी 5. क्लियर? अच्छा मिनिमा की यदि मैं बात करता हूं ना, तो उस वाले केस में अपन n की वैल्यू हाफ, 3/2, 5/2 ऐसे सोचते हैं. तो 1/2, 3/2 और 5/2 तीनों चलेंगे. तो तीन मिनिमा ऊपर और तीन मिनिमा नीचे, इस केस में नंबर ऑफ मिनिमा 6 ऑब्टेन हो सकते हैं. क्लियर? चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 14 इशारा बन. क्वेश्चन नंबर 14 देखें, बोला कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैविंग अ डायमीटर 200 सेंटीमीटर इफ इट हैज टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम अ स्टार. ठीक है, तो रिजोल्यूशन लिमिट जो होती है, रिजोल्यूशन लिमिट टेलीस्कोप के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पता है हमें क्या होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जहां डी होता है अपर्चर. ठीक है, डायमीटर होता है हमारे पास लेंस का. अब सारी वैल्यू हमें गिवन कर रखी है, तो 1.22 लैम्डा हमें दे रखा है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10^-9 अपॉन अपर्चर की साइज दे रखी है 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर. तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 305 × 10^-9 रेडियन. फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. तो इसमें ना सर, जैसे रिजोल्विंग लिमिट को लेकर जब बात करते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज से होते हैं कि सर रिजोल्विंग लिमिट एक्चुअली में होती क्या है, अपन किस बात को मानते हैं कि ये रिजोल्विंग लिमिट में है. देखिए अपन इसकी बात करें एक बार, जैसे मान लो आपके पास कोई लेंस है ना, और लेंस से अपन ये मान लेते हैं कि ये लेंस है, लेंस से रिफ्रेक्शन, अपन रिफ्रेक्शन वाला केस भी लेते हैं और डिफ्रेक्शन वाला भी लेते हैं, उसको फ्रेनल डिस्टेंस से डिफाइंड होता है अपना. तो जैसे मान लो मेरे पास दो स्टार है यहां पर, और या फिर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट S1 यहां है और दूसरा ऑब्जेक्ट S2 यहां है, और यहां मेरे पास सामने स्क्रीन है, मेरे को वहां पर फ्रिंज पैटर्न देखना है. तो किसी भी पॉइंट सोर्स के लिए यदि अपन एक ऑब्स्टेकल से, जैसे लेंस अपन ने ले रखा है, इससे यदि इमेज बनाएंगे तो डिफ्रेक्शन पैटर्न जो बनता है वो कुछ ऐसा सा बनता है कि सबसे पहले मेरे पास एक सेंट्रल मैक्सिमा का रीजन आता है, उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा फर्स्ट मिनिमा का रीजन आएगा, कुछ इस टाइप का. फिर उसके बाद वापस से यदि मैं बात करूं तो फिर आगे फिर एक मैक्सिमा वाली फ्रिंज आती है, मतलब ब्राइट इंटेंसिटी और डार्क इंटेंसिटी की फ्रिंज अपन बोल सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा. मतलब पहले एक ब्राइट इंटेंसिटी की फ्रिंज, फिर डार्क इंटेंसिटी की फ्रिंज, फिर ब्राइट इंटेंसिटी की फ्रिंज. तो यदि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पास पास हैं, जैसे मैंने कहा इनके बीच का ये वाला एंगल जो है, यदि ये वाला एंगल थीटा है लेट सपोज, तो फर्स्ट यदि मैं S1 के मैक्सिमा की बात करूं ना, तो S1 का मैक्सिमा कुछ इस टाइप का बनता है, S1 का जो डिफ्रेक्शन का पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का. फिर मैं S2 के डिफ्रेक्शन पैटर्न की यदि बात करूं तो S2 का डिफ्रेक्शन पैटर्न कुछ इस टाइप का आएगा. देखो यदि मेरे को दोनों स्टार्स या फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट S1 और S2 क्लियरली देखने है ना, तो मुझे एटलीस्ट इनके इस एंगुलर सेपरेशन के बीच कुछ एंगुलर सेपरेशन चाहिए होगा, ताकि इन दोनों के ये जो मैक्सिमा है ये मैक्सिमा मिले ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स के ये जो मैक्सिमा है ये मैक्सिमा ना मिले. तो अब यदि मैं ये चाहता हूं कि मेरे को प्रॉपरली रिजोल्व मिले दोनों, तो देखिए सबसे पहले मैं इस बात को डायग्रामेटिकली बताऊं ना, फॉर्मूला तो सर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि S1 की वजह से जो मैक्सिमा बनना है और दूसरा S2 की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा बनना है, यदि ये दोनों प्रॉपरली ऐसे हैं तो अपन बोलेंगे कि ये बिल्कुल लिमिट पे है. अब इन दोनों की इमेज जो है वो प्रॉपरली रिजोल्व है. यदि ऐसा हो गया कि पहले S1 का जो मैक्सिमा है और फिर S2 का जो मैक्सिमा है, यदि वो दोनों ओवरलैप्ड हो गए तो अपने को दोनों की इमेज क्लियर नहीं दिखेगी. तो क्लियर इमेज देखने के लिए इनके इस एंगुलर सेपरेशन की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज नोन एज रिजोल्विंग लिमिट. क्लियर? चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें. 15 में कह रहा था रे ऑफ लाइट AO इन वैक्यूम इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब एट एन एंगल 60 डिग्री एंड रिफ्रेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री अलोंग OBS ऑन द फिगर द ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लाइट रे फ्रॉम A टू B.
देखिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ को डिफरेंट पहले अपन डिस्कस करते हैं, आना था नेक्स्ट पेज पे। बहुत सिंपल से वे में बात को बतलाऊंगा कि जितने टाइम में आप किसी मीडियम में कोई लेंथ ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम में वैक्यूम में जो लेंथ ट्रेवल होगी वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ के इक्विवेलेंट होती है। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें तो, कि जैसे मान लो कि एक लाइट रे इस मीडियम में यहां से एंटर हुई, यहां से एग्जिट हुई और इस मीडियम में वो एल लेंथ ट्रेवल करके गई, तो इसमें इसको टाइम लगा लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड सी बाई म्यू, सो इट इज म्यू एल बाई सी। सेम टाइम में यदि मुझे सी स्पीड से ट्रेवल करना होता, सेम टाइम में सी स्पीड से, तो वैक्यूम में जो ट्रेवल्ड लेंथ होती वो होती म्यू एल। तो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होती है वो याद रखना चाहे डायरेक्टली तो म्यू एल, या फिर सिंपल वर्ड्स में अपन डेफिनेशन वाइज बोलना चाहे कि जितने टाइम में किसी मीडियम में कुछ लेंथ ट्रेवल करती है उतने ही टाइम में वैक्यूम में जो लेंथ ट्रेवल करेगी दैट विल बी द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मतलब यहां से यहां तक की। तो देखो डियर ये ए है, इसका मतलब यदि मैं AO को लेकर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, तो ये लेंथ अपने पास 2A आएगी। अच्छा देखिए ये लेंथ मेरे को गिवन है B, तो ये वाली जो लेंथ मेरे पास आएगी दैट लेंथ विल बी 2B बाई रूट 3। कॉस वाला रिलेशन लगा दिया मैंने दोनों जगह, लेकिन ये किसी मीडियम में है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मुझे पता नहीं है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पर स्लेंस लॉ अप्लाई कर दूं कि वी 1 इनटू साइन 60 दैट कम्स एज म्यू इनटू साइन 30, तो यहां से मेरे पास म्यू की जो वैल्यू आ रही है दैट इज रूट 3। तो अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ की बात करें, देखो वैक्यूम में तो 2a चल रहा था तो 2a प्लस में, मीडियम में चल रहा है 2b बाय रूट 3, ये तो हो गई लेंथ, और मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दैट इज रूट 3, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो अपने पास आ गई है कैलकुलेट होकर दैट वैल्यू इज कमिंग एज 2a प्लस 2b, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 16। सेक्शन में क्या बोला, देखिए कंसीडर अ फिल्म ऑफ थिकनेस l एज शोन इन 4 डिफरेंट केसेस। ठीक, तो इस क्वेश्चन करने से पहले हम जरा एक चीज देख लेते हैं कि जब भी एक लाइट है रेरर से डेंसर मीडियम पे स्ट्राइक करे या डेंसर से रेरर पे स्ट्राइक करे तो क्या होगा। अगर यहां से रिफ्लेक्शन देखा जाए तो डेंसर मीडियम पर रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट रे में पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, पाई फेज इंक्रीज हो जाती है, बट अगर रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन अगर रेरर मीडियम से हो तो यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, सेम फेज रहता। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें बोला है इसमें क्या बोला है कि ये एक फिल्म है एल लेंथ की, ठीक, जिस पर रे स्ट्राइक हो रही है इस तरह से, एक बार तो रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई है और दूसरा यहां वाला रिफ्लेक्शन लिया गया है और इन दोनों के बीच देखा गया इंटरफेरेंस, और उन इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू फेज डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट की गई और वो केवल रिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हुए डिफरेंट डिफरेंट मीडियम लिए हुए हैं। तो देखते हैं जरा, जैसे यहां अगर हम देखें तो यहां देखो ये वाला जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जो है इस सरफेस पर ये 1.5 या 1.4 तो रेरर से हो रहा है तो इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। फिर यहां से अगर देखो तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी 1.4 के कंपेरिजन में 1.3 कम है तो ये रिफ्लेक्शन भी रेरर से हो गया तो इसमें भी कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। अब दोनों में इंटरफेरेंस देखा जा रहा है तो दोनों का इफेक्टिव फेज डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। ठीक है, सेकंड में अगर देखें तो 1.5 1.4 यहां पर रेरर से हुआ तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आया, यहां पर 1.4 1.5 1.5 डेंसर है तो पाई का फेज डिफरेंस दे गए तो टोटल फेज डिफरेंस यहां जीरो मिला था, यहां कितना मिल गया, पाई मिल गया। इसमें कंसिडरेशन केवल रिफ्लेक्शन को लेकर कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल पाथ के बेसिस पर भी कर सकते हैं ना, वो मतलब जो चल के आएगा 2 म्यू टी कोस आर वाला फॉर्मूला जो आपको याद होगा, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शंस में केवल और केवल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो नेट फेज डिफरेंस हो रहा है केवल उसकी बात हो रही है। करें सर कंटिन्यू। यहां अगर हम देखें तो 1.5 से 1.4 अगेन रेरर पर तो कोई फेज डिफरेंस नहीं, 1.4 से 1.6 डेंसर पर
तो फेज डिफरेंस पाई, तो टोटल फेज डिफरेंस आ गया पाई। यहाँ देखो तो डेंसर 1.3, 1.4 डेंसर पर हुआ है तो फेज डिफरेंस पाई, यहाँ पर 1.4, 1.5 फिर से डेंसर पर फेज डिफरेंस पाई, तो इफेक्टिव फेज डिफरेंस दोनों में कितना आ गया, जीरो आ गया। क्लियर? मतलब वन और फोर में तो इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस हमें जीरो मिल रहा है, किसकी वजह से, मीडियम पर रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। और टू और थ्री में क्या मिला है, पाई। और ऑप्शन देखते हैं, बोला है फॉर वन एंड थ्री द रिफ्लेक्शन एट फिल्म इंटरफेसेस कॉज़ जीरो फेज डिफरेंस फॉर टू रिफ्लेक्टेड रे। तो वन और थ्री में जीरो मिला है क्या, नहीं, वन में जीरो और पाई मिला है तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, फॉर टू एंड थ्री द रिफ्लेक्शन एट फिल्म इंटरफेस कॉज़ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, तो टू और थ्री में पाई का मिला है तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो फोर थ्री एंड फोर द रिफ्लेक्शन एट फिल्म इंटरफेसेस कॉज़ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, तो थ्री और फोर में पाई मिल रहा है क्या, नहीं, थ्री में तो पाई मिला है बट फोर में जीरो मिला है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में पूछा है कि वन और फोर में जीरो मिला है, तो यस, वन और फोर में जीरो मिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास टू एंड फोर, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू इलिमिनेट द टू स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज बी एंड द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द टू स्लिट्स, at a point on the screen directly in front of one of the slits certain wavelengths are missing, some of these missing wavelengths, matlab wo setup apne paas kuch aisa hai ki do sources hain aur kisi ek slits hai aur kisi ek slit ke exactly samne apan ne baat ki hai, dekho slit ke exactly samne yadi main baat karunga to tan theta jo hai na mera wo mere paas nikal kar aa jayega small d by 2 इनटू में कैपिटल डी, और अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि लैम्ब्डा जो है वो बहुत लेस है और अच्छा इसमें बी लिया गया है उस डिस्टेंस को, अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये अपने पास बी बाई टू इनटू में स्मॉल डी हो गया, इस डिस्टेंस को अपन ने स्मॉल डी लिया है और इस डिस्टेंस को अपन ने स्मॉल बी लिया, ये टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होती है और साइन थीटा जो है डी साइन थीटा वो डेल्टा एक्स के इक्वल होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डी, अपने तो डी को बी से किया तो ये बी, तो डेल्टा एक्स जो निकल कर आया दैट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डी। व्हाट आई वांट कि मिसिंग वेवलेंथ चाहिए, मिसिंग वेवलेंथ चाहिए मतलब उन वेवलेंथ के लिए पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यदि होगा तो वहां मिसिंग होगी, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो वाली वैल्यू मेरे पास 2n-1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होनी चाहिए, प्लस ले लो माइनस ले लो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा जो मेरे पास निकल कर आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग एज b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n-1 इनटू में d, n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू 2 रख दो, 3 रख दो, तो इस बेसिस पर यदि अपन बात करें तो अपने ऑप्शंस में एक तो b स्क्वायर बाई d 1 रखने पर ये, 2 रखने पर b स्क्वायर बाई 3d, और तो कुछ नहीं आया, सो 1 एंड 3 आर दी करेक्ट आंसर्स। चलिए सर आगे बढ़ाएं, 18 की बात करते हैं, 18 में क्या बोला है, कंसीडर अ यंग डबल स्लिट अरेंजमेंट विद स्लिट सेपरेशन डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इक्वल टू कैपिटल डी, एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच स्लिट इज इक्वल टू पाई, ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी सेम, जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वही गिवन की हुई है। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्डा देन एंगुलर पोजीशन थीटा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ बिटवीन द स्लिट, ठीक है, ओके, देखना जरा। तो ये YDSE का सेटअप जिसमें ये सेपरेशन जो है दोनों के बीच का डी दे रखा है, वेवलेंथ लैम्डा, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो डी है, और बाकी सारी कंडीशन वही है कि लैम्डा जो है वो डी से वेरी स्मॉल है और डी की वैल्यू कैपिटल डी से वेरी स्मॉल, और फ्रिंजेस की जो एंगुलर पोजिशन है वो यहां से थीटा एंगल पर मेजर की गई, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विद एंगुलर पोजीशन थीटा इक्वल टू दिस इज 2y, अब देखो तो अगर पाथ डिफरेंस लिया जाए किसी भी पॉइंट पर तो वो कितना आता है, d sin थीटा, ठीक है, और लैम्डा d, लैम्डा की वैल्यू वेरी स्मॉल d और d की वैल्यू वेरी स्मॉल कैपिटल d होने की वजह से ये हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने डी साइन थीटा लिखी, ठीक है। अब बोला है इसमें
कि अगर थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई 4d है तो वहां पर इंटेंसिटी 2i होगी, यानी चेक करना है। तो देखो थीटा हमें दे दिया लैम्डा बाई 4d, और हमें पता है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से डेल्टा एक्स आ गया हमारे पास d, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे तो लैम्डा बाई 4d, तो यहां से पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 4। तो इसके करेस्पॉन्ड जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, तो यह आ गया पाई बाई 2। मतलब इस एंगुलर पोजिशन के लिए फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस एंगुलर फेज डिफरेंस, इस फेज डिफरेंस पर अगर इंटेंसिटी लिखी जाए तो वो क्या हो जाएगी, 4i cos स्क्वायर 5/2 रिलेशन होता है, वैल्यू पुट कर दे यहां पर तो आएगा 4i cos स्क्वायर पाई बाई 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2i। तो फर्स्ट ऑप्शन में इसने ये बोला है कि इस एंगुलर पोजीशन पर 2i इंटेंसिटी मिलेगी, तो ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, इफ द स्क्रीन इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द स्लिट्स एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा रिमेंस अनचेंज्ड, ठीक है। इफ द स्क्रीन इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द स्लिट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा रिमेंस अनचेंज्ड, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ये y की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा dy d, ये तो आती है इसकी y की पोजीशन। और अगर ये एंगुलर पोजीशन देखी जाए तो ये एंगुलर पोजीशन क्या आती है, लैम्डा y d। अब देखो उसने सेकंड ऑप्शन में बोला है कि स्क्रीन को अगर हम इस सेट y d एसी के सोर्स सेटअप से दूर लेके जाए तो थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल दिख रहा है कि अगर d को मैं कितना इंक्रीज करूं थीटा चेंज होने वाला नहीं, तो यहां से आपका y चेंज होगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द स्लिट इज प्लेनर, इट मे हैपन दैट द सेंट्रल मैक्सिमा इज सिमेट्रिकली लोकेटेड ऑन द स्क्रीन, ठीक, बढ़िया ऑप्शन है। देखो क्या क्या किया है, किसी भी एक स्लिट के सामने सपोज टी थिकनेस और म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की एक स्लैब ला, तो उसकी वजह से अब अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हमें देखनी है तो देखो स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा म्यू माइनस वन टी का, क्लियर। तो अगर ये हमारे पास इस तरह से अगर आती है तो क्या होगा, यहां पर पहुंचते टाइम इधर से म्यू माइनस वन टी पाथ डिफरेंस ज्यादा मिल जाएगा, क्लियर, पाथ डिफरेंस ज्यादा मिल जाएगा, मतलब यहां पर हमें पाथ डिफरेंस जीरो नहीं मिल पाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो यहां से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि क्या हो कि म्यू माइनस वन टी एक्स्ट्रा पाथ जो आया वो यहां डी साइन थीटा से कवर हो जाए, क्लियर। ये तो कब होगा, जब यहां पर इस तरह से इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। अगर सपोज यहां ऑब्लिक इंसिडेंट हो जाए, कि रेज जो है इस तरह से स्ट्राइक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो ये स्लैब, स्लैब की वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा म्यू माइनस वन टी, ठीक है, ऊपर। और ये जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा ये अगर फाई एंगल पर आ रही है तो यहां से ये डी है तो ये आ जाएगा डी कॉस फाई। तो देखो इस केस में क्या हुआ, ऊपर की तरफ एक तो स्लैब की वजह से पाथ डिफरेंस इंक्रीज हो गया, साथ में डी कॉस फाई से भी इंक्रीज हो गया, तो भी यहां पर सेंटर पे मैक्सिमा नहीं मिलने वाला क्योंकि एडिशनल पाथ मिल गया। इसकी बजाय अगर रे इस तरह से स्ट्राइक हो तो देखो सेंटर पे अगर हम देख रहे हैं तो इसकी वजह से तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस मिला म्यू माइनस वन टी, बट यहां नीचे वाली जो रे पहुंचेगी सेंटर पर उस पर एक एडिशनल पाथ डिफरेंस और मिल सकता है, ठीक है।
सपोज ये डिस्टेंस डी है, इधर से एंगल में थीटा ले लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास डी कॉस थीटा। अब देखो इस केस में अगर हम देखें तो ऊपर स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया म्यू वन माइनस टी, नीचे ऑब्लिक इंसिडेंस की वजह से एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया डी कॉस थीटा। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस दोनों रेज के बीच में कितना आ जाएगा, यहां जीरो। तो इस केस में हमें सेंटर पर फिर से क्या मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी पूछी गई है तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखें, इफ द अरेंजमेंट इज इमर्ज इन एन ऑयल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, फ्रिंज विड्थ विल बिकम 1 बाय म्यू टाइम्स। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है वो क्या होती है हमारे पास लैम्डा डी बाय डी। अगर इसको किसी म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इमर्ज कर देंगे तो वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा बाय म्यू टाइम्स हो जाएगी, तो बीटा भी हमारे पास 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएगा। तो फोर्थ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला जा रहा है दैट अ लाइट सोर्स व्हिच एमिट टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज यूज्ड इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब बाइक्रोमेटिक लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। इफ रिकॉर्डेड फ्रिंज विड्थ्स फॉर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर बीटा 1 एंड बीटा 2, कि लैम्डा 1 के लिए फ्रिंज विड्थ बीटा 1 है और लैम्डा 2 के लिए फ्रिंज विड्थ बीटा 2 है। देखिए फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो इफ द लैम्डा इज हायर बीटा विल बी आल्सो हायर, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर बोल रहा है एंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर देम विद इन अ डिस्टेंस वाई, मतलब सेम डिस्टेंस में दोनों की नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात की जाए। मान लो n फ्रिंजेस मिलती है y डिस्टेंस में, तो अपन कहते हैं y इज इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d। ये डिस्टेंस फिक्स है, कैपिटल d सेम है, स्मॉल d सेम है, तो जिसके लिए वेवलेंथ कम होगी सेम डिस्टेंस में उसकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा होगी। जैसे ऐसा हो सकता है कि इसकी फोर्थ वाली मिले और इसकी थर्ड वाली मिलेगी और इसकी सेकंड वाली मिलेगी, दोनों सेम डिस्टेंस पर होंगी, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसके लिए 3 लैम्डा की वैल्यू और इसके लिए 2 लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है। तो सेम डिस्टेंस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करेंगे तो वेवलेंथ इज लेसर, द नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर हायर, सो सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट। आगे बात करें इसमें थर्ड ऑप्शन में कह रहा है फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2 ओवरलैप्स विद फिफ्थ मिनिमा ऑफ लैम्डा 1। देखिए थर्ड मैक्सिमा जो है ना लैम्डा 2 का, वो मेरे पास आएगा 3 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और लैम्डा 1 का फिफ्थ मिनिमा जो है वो मेरे पास आएगा 9 बाय 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो यदि मेरे पास देखना कि 3 लैम्डा 2 यदि 9 लैम्डा 1 बाय 2 के इक्वल आ जाता है तो ये तो आया 1800 और 9 बाय 2 इनटू में 400 दैट वैल्यू इज आल्सो 1800, मतलब वैल्यू सेम आ रही। तो अपन ये बोल सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, लैम्डा 2 का थर्ड मैक्सिमा और लैम्डा 1 का फिफ्थ मिनिमा एक ही प्लेस पर होंगे। फिर बोला जा रहा है द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस ऑफ फॉर लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, कि लैम्डा 1 के केस में एंगुलर सेपरेशन जो है वो ज्यादा है। तो देखिए एंगुलर सेपरेशन जो होता है ना वो होता है लैम्डा बाई डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है, तो लैम्डा लेसर तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी लेसर। सो फोर्थ वन इज द इनकरेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर्स आर 1, 2 एंड 3। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स S1 और S2 गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, साथ में उनके बीच के जो d डिस्टेंस है वो दे रखी है 1.8 mm, ठीक है, और इस अरेंजमेंट के लिए हमें इंटरफेरेंस देखना। तो S1 और S2 दोनों के बीच का जो सेपरेशन है d वो है हमारे पास 1.8 mm और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 600 नैनोमीटर। तो पहले तो मैं d की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकाल लेता हूं, तो d को जब लैम्डा से डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है हमारे पास 3000 लैम्डा, ठीक है, दोनों के बीच 3000 लैम्डा का सेपरेशन। और हम इनकी वजह से जो इंटरफेरेंस देख रहे हैं वो इसके चारों तरफ ये सर्कुलर स्कीम ले लिया, ठीक। तो पहले तो इसमें देख लेते हैं कितने मैक्सिमा बनेंगे कितने मिनिमा बनेंगे। तो देखो अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से जितना S1 से रे चलेगी उतना ही S2 से चलेगी, तो पाथ डिफरेंस जीरो है, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहां से S1 अगर चलता है, S2 अगर चल रहा है X,
तो S1 को चलना पड़ेगा x प्लस 3000 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस मिल गया 3000 लैम्डा, ठीक है। और पाथ मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, मैक्सिमा के लिए कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। तो यहां बोल सकते हैं कितने मैक्सिमा बनेंगे, ये जीरो वाला तो बीच में 1, 2, 3, 4 इसी तरह से 3000 तक आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मैक्सिमा बनेंगे वो हो जाएंगे 2999, बीच में इनको भी अगर कंसीडर कर लें तो 3001 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस बिटवीन P1 एंड P2 इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3000, तो ये करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, अ डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म एट द पॉइंट P2, ये P1 बोला है, अब ये P2 बोला है P2 पर डार्क स्पॉट आएगा, नहीं P2 पर मैक्सिमम बन रहा है इसलिए ब्राइट स्पॉट आएगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। साथ में फोर्थ देख लेते हैं, पहले बोला एट P2 द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम, P2 पर मैक्सिमा बनाया तो ये फोर्थ भी करेक्ट है। थर्ड बोला है द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2, जैसे हम P1 से P2 की तरफ जाते हैं तो ये जो मैक्सिमा बन रहे हैं इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है ये थीटा, ये बोल रहा है कि डिक्रीज होता है, चेक करते हैं जरा। तो देखो अगर मैं P1 वाले मैक्सिमा की बात करूं, ये सोर्स दोनों के बीच का सेपरेशन डी, ठीक है, मैं किसी एंगुलर पोजीशन थीटा की बात कर लेता हूं तो यहां से S1 से और S2 से जो रे चलेगी, ये एंगल अगर थीटा लिया तो ये भी थीटा, बीच का सेपरेशन डी वेरी स्मॉल, तो मान सकते हैं कि तीनों रे जो है अप्रोक्सीमेटली पैरेलल जा रही है, तो ये भी एंगल थीटा ले लेते हैं, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा है, ये डी है, तो ये आ जाएगा डी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब डी साइन थीटा, अगर थीटा जो है वो एक तरह से वाई एक्सिस से लिया गया, ठीक है। तो किसी भी थीटा एंगुलर पोजीशन पे जो पाथ डिफरेंस मिला है वो क्या मिला है, डी साइन थीटा मिला है। और अगर ये मैक्सिमा की कंडीशन की बात करें तो ये पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर, मतलब साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा बाय डी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा ये आ गया एन अपॉन 3000 तो एन अपॉन 3000। अब देखो हमसे जो पूछा है बोला है कि मैक्सिमाज के बीच का सेपरेशन वो जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो यहां एन इक्वल टू जीरो वाला मैक्सिमम, ठीक है, ये एन इक्वल टू वन, इसके लिए मैं मान लेता हूं ये थीटा वन आया, तो साइन थीटा वन की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3000। ये सपोज यहां से थीटा टू पर सेकेंड आया तो साइन थीटा टू की वैल्यू आएगी हमारे पास 2/3000, ठीक है। इसी सिमिलरली थीटा 3 पे ये आ जाएगा 3/3000। अगर इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो साइन थीटा 1 थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 यहां से आएगा ये 1/3000। अगर 3 और 2 के बीच में देखें तो वहां भी 1/3000 आएगा, मतलब साइन थीटा n माइनस साइन थीटा एन माइनस वन जो है वो 1/3000 आ रहा है। तो ये वैल्यू तो है सबके लिए सेम, दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। अब अगर डिफरेंस सेम है तो हमें कमेंट करना है भाई कि थीटा एन माइनस वन ये एंगल्स का डिफरेंस जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा। तो देखना रिलेशन साइन में, तो साइन के अगर मैं ग्राफ देखूं तो जीरो से या थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू तक जा सकती है, तो जीरो से पाई बाई टू में ये साइन का ग्राफ आता है। तो जीरो से अगर 30 डिग्री की बात करो तो जीरो से हाफ तक वैल्यू जाने में एंगल जो है केवल 30 कवर हुआ, जीरो से 30 डिग्री तक ही हाफ वैल्यू आ गई, बची कुछ हाफ वैल्यू हमें बचे कुछ 60 डिग्री में आ गई, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं यहां पर अगर मैं सेम वैल्यू राइज की बात करूं कि भाई सेम वैल्यू राइज करना है मेरे को, तो सेम वैल्यू राइज जो है वो 0 से 30 में जल्दी आ गया, मतलब यहां कम एंगल चेंज होने पर ही हमें सेम राइज मिल गया। तो बाद में ज्यादा एंगल चेंज होना पड़ेगा, तो शुरुआत में कम एंगल के चेंज पर हमें मैक्सिमा मिलते जाएंगे और बाद में एंगल का चेंज जो है वो ज्यादा होता जाएगा, मतलब शुरुआत में ये जो डिफरेंस है वो कम होगा और बाद में मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो दोनों के बीच का जो एंगुलर डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, P1 से P2 की तरफ जाने पर इंक्रीज होना चाहिए, बट इसने बोला क्या है डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 4। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है that a rocket is moving away from the earth at the speed of this, the rocket has blue light in it, what will be the wavelength of light recorded by an observer on the earth? देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स से होने वाली मिस्टेक है ना वो ये कि बच्चे जनरली इसका फॉर्मूला याद रखते हैं और वो ये याद रखते हैं कि दैट लैम्डा अपेरेंट इज इक्वल्स टू अवे जा रहा है ना तो इट इज 1+V/c इनटू में लैम्डा नॉट। ये गलत बात है, ये तब होता है व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू c। देखिए ये वाला जो डाटा है ये 6×10^7 है, तो मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.6×10^8 and it's not negligible in comparison to 3×10^8। तो इस वाले केस में जब ये negligible नहीं होता है तो अपन real formula की बात करते हैं, that is c+v/c-v into में lambda not if the object is moving away। तो यहां जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज 3×0.6 एंड डिवाइडेड बाय 2.4 इनटू में लैम्डा नॉट। तो वैल्यू जो आ रही है दैट इज अंडर रूट में 3 दैट इज 1.732, अंडर रूट में 2 दैट इज 1.414 इनटू में लैम्डा नॉट, वैल्यू पुट करेंगे तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 5635 एंगस्ट्रॉम। तो इस केस में वेवलेंथ की वैल्यू ये आएगी, वेवलेंथ शिफ्ट आप यहां से निकाल सकते हैं This minus this। तो बात एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि c जो है v जो है वो कहीं less than c तो या फिर approximately उसके रेंज में आ रहा है या कम है, क्योंकि JEE mains में ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है और वो बच्चों का गलत हो गया था केवल इस फॉर्मूला को याद रखने के चक्कर में। तो बेटा ये याद रख लो ना ज्यादा बेटर है। देखो सीधी सी बात है, फॉर्मूले अगर याद रखने हैं हमें तो उनकी कंडीशंस भी याद होनी चाहिए कि कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगा। बिल्कुल सर, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक लैम्डा येलो वाला, सॉरी एक तो लैम्डा वॉयलेट वाला, पर्टिकुलरली व्हाइट लाइट है पर हम वॉयलेट और रेड को लेकर ही बात कर रहे हैं केवल, और रेड वाला बोला है फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वॉयलेट फ्रिंज, कि वॉयलेट का कौन सा मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वॉयलेट फ्रिंज व्हिच ओवरलैप्स विद द रेड फ्रिंज, कि वॉयलेट का कौन सा मैक्सिमा जो है वो रेड के मैक्सिमा से ओवरलैप करेगा। तो रेड के वॉयलेट के लिए अगर मैं मैक्सिमा लिखूं तो मैं मान लेता हूं n1 जो है वो मैक्सिमा है, तो n1 लैम्डा 1 dy d, ये आ गए हमारे पास वॉयलेट के लिए मैक्सिमा की पोजिशन सेंटर से, ठीक है। रेड के लिए मैं मान लेता हूं ये है n2 लैम्डा 2 dy d, तो यहां से n1/n2 की वैल्यू आ जाएगी λ2/λ1, मतलब n वॉयलेट अपॉन n रेड आ जाएगा लैम्डा रेड अपॉन लैम्डा वॉयलेट, तो ये आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वॉयलेट का 7 रेड के 4th से, या बोल दो वॉयलेट का 14 रेड के 8 से, इसी तरह से ये आपस में कोइंसाइड होते जाएंगे। इसने मिनिमम बोला है कि मिनिमम ऑर्डर कौन सा होगा वॉलेट का जो रेड से सुपरइंपोज करेगा, तो वो हो जाएगा सर, ठीक। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है दैट अ यंग्स डबल स्लिट एपरेटस हैज स्लिट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस एंड द स्क्रीन इज 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, द होल एपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट, फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न फॉर्मड ऑन द स्क्रीन। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो फॉर्मूला अपने पास सीधा सीधा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय म्यू इनटू स्मॉल डी, यही होता है भाई, मीडियम में डिवाइडेड बाय म्यू कर देते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस वैल्यू इज 700 × 10^-9
and this capital D, that is 48 into 10 raised to the power minus 2 divided by mu. Water ke liye kuch nahi bola, to apan standard leke 4 by 3 wala data. And small d, that value is 28 into 10 raised to the power minus 5.28 mm bola hai. So, ye to mere paas baat karenge di. Ye cancel out hua 4 times. Ye cancel out hua 3 times. 16 na, ye 48 to 3, ye upar gaya 9. 10 की पावर की यदि मैं बात करूं, दस वैल्यू इज 10 रेस टू द पावर 2 48 टू कैंसिल आउट माइनस 5 माइनस 9 माइनस 4 सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.9 mm मतलब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू जो अपने पास आती है वो 0.9 mm आती है. देखो जनरली हमने इस वाले क्वेश्चन पर कुछ ज्यादा ही बात की है और जेईई मेंस में इस पर कुछ ज्यादा ही बात की जाती है, इसीलिए हमने इस पर स्ट्रेस भी ज्यादा रखा है. क्लियर? चलिए सर आगे बढ़ाते हैं. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Now the first diffraction minimum due to a single slit diffraction is at theta equal to 30 degree for a light of wavelength 5000 angstrom than the width of the slit. कि अगर slit की width a है, तो यहाँ से मतलब first minimum. तो first minima जो हमारे पास बनेगा, किसी भी minima के लिए अगर position की बात करो तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास n lambda dy a. ठीक, एंगुलर पोजीशन दे रखी कि अगर a है तो किसी भी थीटा पर, थीटा के लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आता है हमारे पास a sin थीटा. और अगर हमें ये मिनिमा बनाना है, मिनिमा बनाना है फर्स्ट मिनिमा, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा लैम्डा. क्लियर? पता ही है हमें डिफ्रेक्शन में वाई एक्सिस का उल्टा होता है. तो यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, तो ए साइन 30 इक्वल टू लैम्डा, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा. अब लैम्डा हमारे पास 5000 एंगस्ट्रम है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 10000 एंगस्ट्रम, या बोल दो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर या 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर. देखो बस इसमें काम की बात यह है कि आप कई दफा क्या है, अपन थीटा को, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं. थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए भी याद रखते हैं फर्स्ट मिनिमा के लिए, लेकिन वो तब होता है व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल. इन दिस केस थीटा इज 30 डिग्री, सो इट्स नॉट ए स्मॉल. सो फिर पाथ डिफरेंस के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा से हमें को मूव करना पड़ेगा. चलिए ठीक है डियर, तो इस सेशन में हमारी तरफ से इतना ही. मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए गुड बाय.